फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू टी वी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बाजू का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। ये हमने सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमने बटन्स लिए हैं। ये हमने टू कलर के बटन लिए हैं, जिस कलर की हमारी बाजू और जिस कलर की हमने ये स्ट्रिप ली है। ये बटन्स हमने खुद बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि ये बटन हमने किस तरह से बनाए हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर बटन बनाने की वीडियो सर्च कर सकते हो। ये इस तरह से हमने दो ओरेव स्ट्रिप्स ली हैं, ओरेव में कटिंग की है इनकी हमने, और इनकी विड्थ हमने 2 इंचेस ली है। आप इनकी लेंथ 14 to 15 इंचेस रख सकते हो। और इस तरह से हमने बटन और स्ट्रिप से मैचिंग एक लेस ली है इस तरह से। और अब ये हमारी बाजू है, ये हमारी बाजू का ये वाली शोल्डर वाली साइड है। ये शोल्डर की हमने यहाँ से कटिंग कर ली है, और ये मोरी वाली साइड है। यहाँ से हमने मोरी की कटिंग अभी तक नहीं की है, ये हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। यहाँ से स्ट्रेट कपड़ा, ये हमने इसकी लेंथ 11 इंचेस ली है, और ये हमने एक पीस और लिया है, इसकी लेंथ हमने 6 इंचेस ली है। इस केस में हमारी बाजू 16 इंचेस रेडी होगी, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कटिंग में। ये टोटल हमारा 17 इंचेस हो गया है इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ से हमने इसको बाजू को हमने सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखा है। यहाँ से जो इसकी विड्थ है ये 8 इंचेस है, तो हमने ये जो पीस लिया है इसकी हम विड्थ इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, मींस 10 इंचेस रखेंगे इस तरह से। इस कपड़े की भी डबल में लेंथ 10 इंचेस है, मींस टोटल इसकी लेंथ 20 इंचेस है। अब हम इस पीस में यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, यहाँ से हम 1 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ से 3 इंचेस पे, और इसमें राउंड शेप देंगे। इस तरह से, और इस पे कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, ये राइट साइड है इनकी। अब हम जो हमने ओरेव स्ट्रिप ली थी, ये ओरेव की रॉन्ग साइड है, इनको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी यहाँ पे इन साइड्स पे दोनों पीसीज में इस तरह से हम ओरेव अटैच कर लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से फोल्ड करते हुए ओपन साइड हम इस तरफ रखेंगे, क्वार्टर इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच देंगे। ये इस तरह से हमने दोनों पीसीज में इस तरह से इसको अटैच कर लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पे ये जो येलो कपड़ा है यहाँ पे स्टिच दे देंगे। ये इस तरह से हमने दोनों पीसीज पे पाइपिंग निकालते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे पे स्टिच दे दिया है। अब हम यहाँ पे इसी स्टिच के साथ क्वार्टर इंच का गैप छोड़ते हुए एक और स्टिच दे देंगे। ये इस तरह से हमने दोनों पीसीज में क्वार्टर इंच के गैप पे स्टिच दे दिया है, और ये इस तरह से इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए कितनी फिनिशिंग से आई है। अब हम इन दोनों पीसीज के ऊपर यहाँ से 2-2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से रखते हुए 2 इंच पे, इस पे भी और इस पे भी, यहाँ से रखते हुए 2 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, इसको यहाँ तक इस पॉइंट तक इस तरह से रखते हुए यहाँ पे रफ स्टिच दे देंगे, इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे भी एक इसी स्टिच के ऊपर एक स्टिच यहाँ तक दे देंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको पहने तो इस तरह से खुलेगा नहीं ये।
इस तरह से ये देखिए हमने बिल्कुल स्टिच के ऊपर स्टिच दिया है। अब हम बाजू का पीस लेंगे, ये राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए हमने रखा है। इसके ऊपर हम ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसको इस तरह से उल्टा कर इस तरह से रखेंगे। बाजू के सेंटर को और डिज़ाइन के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से इसका सेंटर है, इस तरह से रखेंगे और इस पे स्टिच दे देंगे। इस तरह से ये हमने स्टिच दे दिया है। अब ये लेस लेंगे और इसको हम, ये देखिए ये जो हमने अटैच किया है इस कपड़े को, हम इस तरफ करते हुए रखेंगे। ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हम इस तरफ करते हुए रखेंगे ताकि ये हमारा नीचे दब जाए, सिलाई में आ जाए। और इस लेस को हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस तरह से स्टिच दे देंगे। ये जो हमने लेस बनाया है ये भी हमने इससे मैचिंग कपड़े को स्ट्रेट स्ट्रिप कटिंग करते हुए, इसकी साइड्स को फोल्ड करते हुए फिर इस तरह से लेस रेडी की है। ये इस तरह से हमने लैस अटैच कर ली है। अब हमने जो ये बटन बनाए हैं इनको हम इस तरह से यहाँ पे नीडल और थ्रेड की हेल्प से अटैच कर लेंगे। ये हमने बटन अटैच कर लिए हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और पहनने के बाद इस बाजू का लुक कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।